दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान पशुधन सहायक के एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, जो इस बार पेपर हुआ था 21 अक्टूबर 2018 को भी जो पेपर हुआ था दोस्तों, इस बार उसमें वैकेंसी 2077 थी, जैसे आप देख पा रहे होंगे। और इस पेपर का डिफिकल्टी का लेवल हम जैसे देखना चाहें, इस बार पेपर टफ नहीं था हमारा। पेपर सिंपल टू आप मॉडरेट कह सकते हैं। इस पेपर में पेपर के टोटल 120 मार्क्स का था। पेपर में जो फर्स्ट पार्ट था वो 40 मार्क्स का था, सेकंड पार्ट 80 मार्क्स का था। इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग का कहीं मेंशन नहीं था दोस्तों, तो नेगेटिव मार्किंग होगी नहीं, बहुत कम चांस है यदि मेंशन नहीं हो तो। 17,570 बंदों ने इस बार पेपर दिया दोस्तों। 92% लोग इसमें प्रेजेंट थे, उपस्थित थे, जैसे आप देख पा रहे हो। बहुत कम बंदे एबसेंट थे इस पेपर में। जो पिछली बार दोस्तों जो पेपर लगा था इसका, तो उसमें टोटल 17,055 पोस्टें थी, और उसकी कट ऑफ जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, जनरल कैडर की 86 थी, फीमेल की 59 थी, एससी की 77 थी, फीमेल की 48 थी, ओबीसी की 83 थी, फीमेल की 48 थी, एसटी 69 एंड फीमेल की 52 कट ऑफ थी, जो पिछली बार जो जो इसका पेपर हुआ था। इस बार जो पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ के बारे में हम बताते हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। इस बार जो दोस्तों, इस बार जो आपने पेपर दिया होगा, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जनरल कैडर है उसकी 70 से 72 दोस्तों, हम जो मेल कैंडिडेट है उनकी कट ऑफ है। फीमेल की 65 to 70 है, ओबीसी की 67 to 70 है, फीमेल की 63 to 65 है, एससी की 60 से 65 है दोस्तों। फीमेल का जो कैंडिडेट है उनकी 60 के अप्रोक्सीमेट है। एसटी है जो 53 to 59 है दोस्तों, और फीमेल है 50 से 55 है दोस्तों। ये यदि आप इससे ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो आप सेफ जोन में हैं, और आप अपना सिलेक्शन समझ सकते हैं कि आपका सिलेक्शन के बहुत ज़्यादा चांस है। आपको यदि हमारा वीडियो लगा हो अच्छा, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और नीचे यदि कोई डाउट हो तो आप हमें मैसेज भी, कमेंट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।